एक बहुत ही मानी जानी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ पर भी यही हो रहा है। अरे भैया, हमारी शिकंजवी को देखो और साथ में देखो वर्जिन मोहितो। अब दोनों में कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए शिकंजी शिकंजी है। हमेशा शिकंजी रिफ्रेश करती है। गर्मियों के दिनों में चाहे वो शिकंजी हो, चाहे खस का शरबत, चाहे वो रोज का शरबत, चाहे लस्सी, चाहे सर्दियों में कोई सब्जियों का सूप हो या हो रसम। लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ खींचे जा रहे हैं उन बाहर की चीज़ों के लिए, उन कैफे वाली डिशेस के लिए। अरे भैया वापस आओ, घर में बहुत कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारा प्याला बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज शुरुआत करेंगे एक ऐसे ही प्याले से जो हर घर में बनता है। ये एक ठंडा ड्रिंक है, इसका नाम है अम्लाना। अम्लाना एक ड्रिंक है जो भारत में कई जगहों पे बनाया जाता है। गर्मियों की जब बात हो तो कुछ ठंडी रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमें चाहिए, और ये वैसी ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो कि बनाई जाएगी इमली के पल्प से। साथ में जाएगा पुदीना, थोड़ा सा खट्टा मीठा मसाला, मजेदार बनने वाली है। साथ में बर्फ डालो और गड़क जाओ, क्योंकि उसके बाद अंदर तक ठंडक आ जाएगी। चलिए बनाते। अब यहाँ पर जो इमली है इसे पानी में सोक करके रखा हुआ है। अब इमली का पल्प निकालना है। सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर आपके पास सीडलेस इमली है तो आप उसे सीधा मिक्सी में घुमा दो और फिर उसके बाद उसे स्ट्रेन कर लो। अब इसे कर लो स्ट्रेन और बनाओ अम्लाना। अभी जो अम्लाना है ओरिजिनेट शायद राजस्थान में हुआ था, लेकिन अभी तो ये कई जगह बनाया जाता है। आप गुजरात चले जाओ वहां मिल जाएगा, आप MP चले जाओ आपको वहां मिल जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक बन चुकी है, क्योंकि है बड़ी सिंपल बनाने में। अब इसमें जाएगी इसकी फ्लेवरिंग्स। अब अम्लाना जो है आपको ठंडक तो देती है, साथ में आपके पाचन को भी बढ़ाती है। इसलिए यहाँ पर खट्टा इमली से, नमकीन काले नमक से, फ्लेवर थोड़ा धनिए के पाउडर से और थोड़ा सा इलायची के पाउडर से, साथ में हल्का सा स्पार्क आएगा थोड़ा पेपर के पाउडर से। अब खट्टे के साथ मीठा जब मिलता है तो आता है मजा। तो ये चीनी जो है इसे पाउडर कर लो और इसमें मिला दो। थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐसे ही बस तोड़ के डाल दो और फिर से इन्हें घोट दो। अब मजे की बात यह है कि जो मोहितो बनता है ना, उसमें भी अदरक नींबू ब्राउन शुगर उसे भी ऐसे ही घोटा जाता है ना, ताकि पूरा फ्लेवर आ जाए। अगर अपनी हिस्ट्री को हम एक्सप्लोर करेंगे ना, तो मोहितो जैसे कई हजार निकल के आएंगे। चल फ्लेवर बिल्कुल बढ़िया, इमली की टॉफी होती है ना कैंडी, उस जैसा आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाए और थोड़ी सी बर्फ, ताकि ये ठंडा हो जाए। अम्लाना जो है एकदम बढ़िया से ठंडा ठार होना चाहिए और फिर उसे पीने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए आज हम अपने अम्लाना यानी कि अपने ड्रिंक्स को एक एलिवेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना आपको इंडियन स्टाइल जो पुराने जमाने में हम करा करते थे याद दिला देते हैं। भैया पहले क्रस्ट आइस ऐसे बनाई जाती थी, कपड़े में बर्फ डालो, पोटली बनाओ और बेलन से कर दो सुताई। लो जी बन गई होममेड क्रस्ट आइस। अब ये ऐसी चीज है जो आपको पुरानी यादों को ताजा करने में मजबूर कर देगी। भैया हमें तो अपनी गर्मियों की छुट्टियां याद आ रही हैं। अभी कौन से मोहितों से कम है भैया, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पापड़ पिकल और प्याला, जिन्हें आप ऐसे ही मतलब ठीक है सही है हमारे साथ हैं चलेंगे, लेकिन कभी भी लाइम लाइट में नहीं लाते। इनके बिना हमारा इंडियन खाना अधूरा है। पी के देखिए, बचपन की याद तो आपको ये दिलाएगा ही, लेकिन ये पीने के बाद अंदर तक आत्मा में ठंडक आ जाएगी। बिल्कुल बढ़िया।